दोस्तों मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज की हमारी पीजो कार के ईसीयू पे इंजन कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर पे दूसरी वीडियो है। आज हम इसका ये पावर पैनल खोलेंगे और इसमें देखेंगे कि क्या कुछ है। इसको हम स्टेप वाइज खोलते जाएंगे और फिर देखते जाएंगे कि कहाँ पे इसका कौन सा कनेक्शन बनता है। अभी मैंने ये पहला जम्पर इसका उतार लिया जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक है। अभी मैं इसका ये वाला जम्पर उतारूँगा तो इसके ये देखें, यहाँ से ये बेंड अंदर जा रहा है। एक यहाँ पे कनेक्शन है, एक यहाँ पे है और इस जगह पे है। यहाँ पर इसके दो जंपर यहाँ पर हैं, इनको उतार लेते हैं। इसका जम्पर यहाँ पर है, यहाँ पर ये इसकी रिले लगी हुई है, मल्टी टर्मिनल रिले है। यहाँ पर जो रिले लगी हुई है ये NEC की है और इसका पार्ट नंबर है EP2F-B3G1ST। अभी मैं इसकी ये ऊपर वाली बार उतार लेता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर ये कितना प्यारा इसका सिस्टम है कि इस पिन से ये सिग्नल उठा रहा है यहाँ से और इस जम्पर से होता हुआ एक तो इस कनेक्टर से आउट होगा और साथ में आगे ये फ्यूज टर्मिनल पे भी जाएगा। अभी इस कनेक्टर की ये वाली पिन उतार लेते हैं तो ये वाली पिन पहुँच रही है इस पॉइंट पर। यानी ये पिन यहाँ से सीधी हमारा जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड की इस पिन नंबर 4 पे पहुँचेगी, 1 2 3 4। यानी ये कनेक्टर हम इसको बड़ी आसानी से ट्रेस बैक कर सकते हैं कि ये पिन यहाँ से चली, इधर से इंटर हुई, कनेक्टर पे चली गई। अभी इसकी ये वाली स्ट्रिप उतार लेते हैं। इस
really wonderful. और ये आ रही है यहाँ पर, दिस इज फर्स्ट पिन. इसकी जो दूसरी पेन है वो इस पॉइंट पर पहुंच रही है इस कनेक्टर की. यहां पर पिन नंबर 4 इस पॉइंट पे आ रही है. तो इनको इस तरीके से हम रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं इसकी, इसको ट्रेस बैक कर सकते हैं. ये देखिए यहाँ पर पिन नंबर 5 को देख लें तो ये यहाँ से आके इस पॉइंट पे पहुँच रही है. तो हम इसका ये पॉइंट रिमूव कर लेते हैं. इससे अगली पिन इस पॉइंट पर पहुंच रही है. इस कनेक्टर की आखिरी पिन इस पॉइंट पर, रिले के बिल्कुल नीचे इन पॉइंट्स पर. अभी इस कनेक्टर की बाकी पिनें इस प्लास्टिक के नीचे हैं, रबर के नीचे हैं, इंसुलेटर के. तो अभी हम इस कनेक्टर की इस पिन को निकाल लेते हैं. अभी ये पिन ये देखें यहाँ से चल रही है और इस जगह पर पहुँच रही है. एट दिस पॉइंट अगली पिन यहाँ पर और इससे नेक्स्ट पिन जो है वो यहाँ पर आ रही है. एट दिस पॉइंट अगली पिन यहाँ पर और इससे नेक्स्ट पिन जो है वो यहाँ पर आ रही है. We can see it have corrosion. इसमें देखें तो बहुत ज़्यादा जंग लगा हुआ है. अभी इसके साथ वाली पेन जो है वो इस कनेक्टर पर आ रही है. दैट इज हियर. अभी इससे आखिरी वायर जो है यहाँ पर, यह देखें यहाँ से ये चल रही है और पीसीबी में यहाँ इंटर हो रही है. इसको हम यहाँ से इसके लॉक में से निकालते हैं. और ये यहाँ पर पीसीबी में कनेक्टेड है. यहाँ से डिसोल्डर कर लेते हैं. ओके देन ये वायर, ये फ्यूज वाला जम्पर यहाँ से चल रहा है इस जगह पर और पीसीबी में इधर आ रहा है. तो इसको हम यहाँ से डिसोल्डर कर लेते हैं. इस लॉक में और यहाँ पर पीसीबी के अंदर लगी हुई है ये वायर इस जगह पर.
अभी इस कलेक्टर की ऊपर वाली सतह की वायरिंग जो है वो ख़त्म हो चुकी है, तो इसको हम रिमूव कर लेते हैं। तो बॉटम साइड की पिन वन को हम रिमूव कर लेते हैं यहाँ से। अभी ये दूसरी पिन, इसको निकाल लेते हैं, तो ये यहाँ पर इंटर हो रही है। ये वाली तार ये इस पॉइंट पर आ रही है। ये वाली पिन ये यहां पर पहुंच रही है। इस तरह करते हुए हम इसकी वायरिंग डायग्राम भी बना सकते हैं कि कौन सी पिन, इसका पिन लेआउट बना के, तो लेआउट पे हम बड़ी आसानी से इसके कनेक्शन ड्रा कर सकते हैं। इससे अगली पिन, पिन नंबर 7 यहाँ पर आ रही है। दिस पॉइंट इससे नेक्स्ट वायर यहाँ से चली, यहाँ से चल के यहाँ पर पहुँच रही है इस कनेक्शन में, एट दिस पॉइंट। अभी हम इसकी ये वाली वायर उतार लेंगे। बड़े वाला ट्रैक ये यहाँ से चला इस जगह पर और इस जगह पर पहुँच रहा है, तो हम ये 3 और 2 5 कनेक्शन उतार लेते हैं। ये 2 कनेक्शन इसके यहाँ पर हैं इस पॉइंट पर, अभी मैं ये कनेक्शन उतारता हूँ, तो ये देखें यहाँ से चल के ये यहाँ पर पहुँच रहा है। इससे नेक्स्ट कनेक्शन जो है ये यहाँ से चला और इस पॉइंट पे पहुँच गया। ये यहाँ पर इनसाइड कनेक्शन है, तो इसको हम छोड़ देंगे। इससे अगली पिन यहाँ से बिल्कुल अंदर दाखिल हो रही है और इस जगह पर पहुँच रही है, तो इसको हम यहीं से ही डिसोल्डर कर लेते हैं इस पॉइंट से। यहाँ से इधर इस पॉइंट पर, इसके बाद मैं ये वाला कनेक्शन उतार लेता हूँ, तो ये आ रहा है यहाँ पर। ये बिल्कुल एक लॉजिक रिले की तरह सर्किट है कि यहाँ से कनेक्शन इधर जाएंगे, इसके इधर आएंगे। अभी इसके बाद मैं ये वाला जंपर उतारता हूँ, तो ये यहाँ से इंटर हो रहा है इस जगह पर और इस जगह पर।
उसके बाद हम ये जंपर उतार लेते हैं इस पॉइंट से। ये यहाँ से इस पिन के साथ लग रहे हैं आगे। इसके बाद इस कनेक्टर को खोल लेते हैं तो ये यहाँ पर और यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है। इसको देखेंगे तो ये यहाँ से चल रहा है इस पॉइंट से, इसके दरमियान जंपर है ये इस पॉइंट पे। ये यहाँ पर इस पॉइंट पे जुड़ा हुआ है। देखिए ये एक लेयर की तरह, जैसे पीसीबी में लेयर होते हैं, तो बिल्कुल ये एक पीसीबी के लेयर की तरह ही काम कर रहा है। वाह वंडरफुल। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पीसीबी के सेकंड लेयर पर ये वाला कनेक्शन जला हुआ है। दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। ये यहाँ पर दाखिल हो रहा है। इसके बाद इस जंपर को देख लें। ये पिन यहीं पे इंटर हो रही है इस जगह पर। यहाँ पर ये देखें तो ये जितनी वायरिंग है ये रिले के साथ कनेक्टेड है, तो अगर कोई भी रिले में दिक्कत होगी तो ये सारा सर्किट जो है वहाँ पे डैमेज, वहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखें जितनी भी वायरिंग है ये सारी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और वापसी पे फीडबैक कंप्यूटर को जा रही है, तो कंप्यूटर एक दूसरे के साथ रابطہ कर रहा है और साथ में सिस्टम को मॉनिटर कर रहा होता है कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या करना है। अभी मैं इसका ये ट्रैक ओपन करता हूँ तो ये यहाँ से लेके तो पीसीबी के इस पॉइंट पर इंटर हो रहा है। ये यहाँ पर ये वाला कनेक्शन यहाँ पर, इसके बाद ये वाला कनेक्शन, ये वाला कनेक्शन पीसीबी पे, पीसीबी के इस पॉइंट पे, ये वाला कनेक्शन इन तीन पॉइंट्स पर और इस जगह पर। इस पिन पर, इस पिन पर और इधर। तो
यस इट इज हियर। इसके बाद ये नेक्स्ट पिन है, तो ये यहाँ से चल रही है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इन दो पॉइंट्स पर आ रही है। ये पिन यहाँ से चली इसके साथ, यहाँ से ऐसे, और पीसीबी में इस पॉइंट पर ये कनेक्टेड है। और इसके बाद ये यहाँ पर, ये वाला जम्पर इस कनेक्टर की आउटपुट पे, और इस जगह पर और इस जगह पर, हियर हियर। इस जम्पर को यहाँ से लेके यहाँ तक मैं उतार लेता हूँ। हर जम्पर के ऊपर नंबर लिखा हुआ है। अभी यहाँ पर ये जम्पर यहाँ से लेके इस पॉइंट तक, ये जम्पर, ये पिन इस पॉइंट पर, अभी ये 29 नंबर जम्पर यहां से लेके यहां तक और इस कनेक्टर के साथ। This wire here, यहाँ पर ये दूसरा जम्पर है, ये यहाँ पर है, ये दो वायर्स इकट्ठी हैं। ये वाली लिंक यहाँ पर पहुँच रही है। इसके बाद ये वाला जम्पर जो है, ये वाली लिंक ये इस पॉइंट पर पहुंच गई। अभी हमने ये दूसरी लेयर के जितने भी कनेक्शन है ये सारे रिमूव कर लिए हैं। अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है। और फाइनली डिस्क्लोजर,
अभी फाइनली हमने ये पीसीबी, इसकी ये वायरिंग, यहाँ से ये मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड है, और इससे आगे इसके जो मुख्तलिफ कनेक्शन हैं वो एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर इन जंपर्स के थ्रू, इन शॉर्ट लिंक्स के थ्रू कनेक्टेड हैं। हर एक जंपर का एक अपना नंबर है, उसकी एक अपनी लोकेशन है, और हम यहाँ पर ये इंसुलेटर रख के तो उस हिसाब से इसको वायर कर सकते हैं, राउट कर सकते हैं। आप इसकी बहुत आसानी से डायग्राम ड्रा कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना अपने प्यारे का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।